Hello, good afternoon, students, and welcome to the online classes. I am Sashi Sahu, assistant professor from Biotech department. और आज की online classes में हम लोगों ने जो enzyme kinetics पढ़ा था, enzyme kinetics के ही जो derivation हम कर रहे थे, उसके ही आगे के derivation को हम solve करेंगे. Derivation को start करने से पहले मैं आप लोगों को पहले clear कर देती हूँ कि हमने क्या किया था. पहली बात तो ये जानना जरूरी है कि आपका सबसे पहले एंजाइम जो है सबस्ट्रेट के साथ मिलता है, फिर क्या बनाता है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाता है. उसके बाद आगे की प्रोसीजर में ये जो एंजाइम है वो सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में बदल देता है. कुछ इस प्रकार से जो है आपका प्रोसेस जो है एक्चुअल में होता है, जिससे ही हम रिलेट कर रहे हैं इस डेरिवेशन को सॉल्व करने के लिए. हमको इसको समझना जो है वो बहुत जरूरी है. ठीक है, तो यहाँ पर दो रिएक्शन हो रही है. पहला रिएक्शन नंबर वन, जिसमें एंजाइम और सब्सट्रेट जो है आपस में मिलकर एंजाइम सब्सट्रेट का कॉम्प्लेक्स बना रहे, आपस में मिले. ठीक है, तो यहाँ पर जो रिएक्शन रेट है वो है K1, और यहाँ पर जो दूसरा रिएक्शन है उसमें एंजाइम जो है सब्सट्रेट को पूरा किस में बदल दे रहा है, प्रोडक्ट को प्रोडक्ट में बदल दे रहा है. तो प्रोडक्ट बनाने का जो वो है कहलाता है रिएक्शन नंबर टू. मतलब यहाँ पर जो कांस्टेंट है वो कांस्टेंट नंबर टू है. इसको सॉल्व करने के लिए हम लोगों ने एक इक्वेशन किया था, जिससे हम लोग डेरिवेशन निकाल रहे हैं. मिकलिस एंड मेंटेन का इक्वेशन को हमको डिराइव करना है. ठीक है, उस डेरिवेशन को करने के लिए हमको पता रहना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं. देखिए, मिकलिस एंड मेंटेन जो इक्वेशन है, इन दोनों साइंटिस्ट लोगों ने जो दिया है इक्वेशन, इस इक्वेशन के द्वारा ये बताना चाह रहे हैं, ये रिलेशन बता रहे हैं कि जब कभी भी कोई प्रोसेस स्टार्ट होती है, जब एंजाइम सब्सट्रेट से मिलता है तो वो पहली प्रोसेस होती है. ठीक है, एंजाइम सब्सट्रेट से मिल रहा है तो पहली प्रोसेस है. वो इनिशियल स्टेज का जो रेट है, मतलब स्टार्टिंग के स्टेज का जो रेट है, और उसके बाद प्रोडक्ट एंजाइम कॉम्प्लेक्स बन गया उसके बाद का जो रेट है, जब मैक्सिमम वेलोसिटी होती है, वी मैक्स जिसे हम बोलते हैं, वी मैक्स, उस टाइम का जो रेट है, उसके बाद प्रोसेस खत्म होने के बाद का जो रेट है, इन तीनों के बीच में रिलेशन या संबंध स्थापित करने के सापेक्ष में इन्होंने एक इक्वेशन दिया था, जिसके लिए इन्होंने एक पूरा इक्वेशन जो है डिराइव किया, पूरा मैथ्स का सॉल्यूशन करके इन्होंने एक सॉल्यूशन निकाला, जिससे जो है कभी भी अगर आपके रेट्स में जो आपका रिएक्शन हो रहा है, उन वो रिएक्शन में जो रेट है, जिस दर से वो रिएक्शन हो रही, उस दर जो स्टार्टिंग की दर है, और जब मैक्सिमम स्पीड रहती है उस टाइम की जो दर है, और जब एंजाइम कॉम्प्लेक्स बना रहता है, एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स, उस टाइम मिड में जो दर रहती है, इन तीनों के बीच रिलेशन स्थापित करने के लिए, रिलेशन क्रिएट करने के लिए जो आपका इक्वेशन को डिराइव किया, किसने, मैकलिस एंड मेंटेन ने. मिकलिस एंड मेंटेन ने ये डिराइव किया 1913 में. ठीक है, तो हम लोग कल क्या किए थे कि हमको रिलेशन स्थापित करना है. कैसे रिलेशन स्थापित किए, पहला जो कांस्टेंट रेट है वो है K1, तो K1 इनटू E एंड S, तो K1 E एंड S ये लिखे इक्वल टू K-1. K-1 क्यों लिखा है हम लोगों ने, कि हम ये भी जानते हैं कि इस रिलेशन को हम तोड़ सकते हैं, मतलब रिवर्स कर सकते हैं. रिवर्स करेंगे तो ये टूट जाएगा और वापस से ये ई और एस में बिखर जाएगा. तो रिवर्स में जब कोई रिएक्शन होती है तो होने वाला जो रेट होता है वो रिवर्स लगता है, तो उसमें वो K-1 कहलाएगा. ठीक है, तो K-1 हुआ, और यहाँ पर क्या लगेगा, ई एस, मतलब ये वाला ई एस. ठीक है, ई एस. अब आगे की प्रोसेस कैसी है, ई एस अपॉन ई एस. हमने क्या किया, इधर लेफ्ट हैंड साइड वाले को राइट हैंड साइड में ले आया, राइट हैंड साइड वाले को लेफ्ट में. तो ये ई जो है और ये एस जो है, ये दोनों जो है ये वैसे के वैसे वही है. अपॉन हमने ये वाला ई एस को ला दिया, यहाँ इनटू में था, यहाँ पर आके वो किस में आ गया, डिवाइड में, मतलब ये यहाँ पर गुणा में था, यहाँ पर आके वो भाग हो रहा है. अब इक्वल टू K-1 अपॉन K1, क्योंकि यहाँ पर K1 मल्टीप्लीकेशन में था, यहाँ आके डिवाइड में हो गया. अब आगे करेंगे इसी तरह से, तो ई एस अपॉन ई एस इक्वल टू के एस. ये के एस क्या है, अब K-1 अपॉन K1 के लिए मिकलिस एंड मेंटेन ने एक के एस कॉन्स्टेंट दिखाया,
जिसमें उन्होंने ये बताया, इसे डिसोसिएशन कांस्टेंट बोलते हैं, जिसमें अगर एंजाइम है और सबस्ट्रेट है तो एंजाइम जितने रहते हैं सबस्ट्रेट के साथ उतने ही वो जुड़ेंगे। देखो एंजाइम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा एंजाइम होता है, एंजाइम जितना रहेगा उतना ही वो सबस्ट्रेट से, जैसे यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 7 एंजाइम्स हैं और कुछ सबस्ट्रेट है, तो जितने एंजाइम रहेंगे उतने ही सबस्ट्रेट से जुड़ जाते हैं, और बाकी के जो एंजाइम है जिनको सबस्ट्रेट नहीं मिल पाता है वो फ्री एंजाइम हो जाते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने इस चीज को बताया कि कई बार जो है ये के एस डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट ऑफ ई एस यहाँ पर इसलिए बोला जा रहा है कि जो माइनस हो रहा है, मतलब रिवर्स में जब प्रोसेस जा रही है उसके लिए डिसोसिएशन कांस्टेंट एक ए बताया और दूसरा इन्होंने ई नॉट बताया। ई जीरो नहीं बोलते हैं इसे, ई नॉट बोलते हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे सभी, ई नॉट, ई NOT वाला नॉट नहीं है ये, ई नॉट, ठीक है, ई नॉट बोला जाता है इसे। अब इसे करने के लिए कैसे, ई नॉट क्या होता है, ई नॉट मतलब होता है टोटल एंजाइम की संख्या। अगर कोई भी रिएक्शन हो रहा है जिसमें कुछ एंजाइम है कुछ सब्सट्रेट है, तो रिएक्शन होने के बाद कुछ एंजाइम जो है सब्सट्रेट के साथ जुड़ जाएंगे और जिन एंजाइम्स लोगों को सब्सट्रेट नहीं मिला वो फ्री एंजाइम कहलाते हैं, तो एंजाइम्स जिन सब्सट्रेट से जुड़ गए वो कहलाएंगे एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स। तो टोटल एंजाइम की संख्या मतलब जिनमें जो जो सब्सट्रेट से जुड़ गए हैं वो ES और जो फ्री फ्री बच गए हैं वो E, इन दोनों को मिलाकर जो टोटल एंजाइम की संख्या होती है वो हम कहते हैं ई नॉट, जिसे हम ई जीरो लगाकर जो है यूज करते हैं, ई नॉट बोलते हैं जिसको, ये आपको पता रहना चाहिए क्योंकि ये ई नॉट आगे जाके यूज होगा। अब बैक टू आते हैं, हम जो इक्वेशन कर रहे थे पहले हमने क्या किया, के एस मतलब के माइनस वन माइनस वन अपॉन के वन के लिए हमने के एस यूज किया, ठीक है, के एस लगाने लग गए। अब आगे हमने सॉल्व किया था तो कैसे किए थे कि हमको ये पता चल गया है कि ई जीरो होता है जिसे हम ई नॉट बोलते हैं, ई नॉट मतलब टोटल एंजाइम की संख्या जिसमें ई एस प्लस प्लस ई होता है, ई एस मतलब जो सबस्ट्रेट से जुड़ जाते हैं और ई मतलब जो छूट जाते हैं एंजाइम सबस्ट्रेट से जुड़ने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ई जीरो हम यूज कर सकते हैं, ई जीरो माइनस ई एस, ई जीरो माइनस ई एस और एस, क्यों, यहाँ ई ई कैसे निकाले हम लोगों ने, इसी को ही ये वाला जो इक्वेशन है ई जीरो इक्वल टू ई प्लस ई एस, इसको हम थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ ई को हम ले लेंगे और ये ई जीरो है, ई जीरो माइनस ई एस कर दिया, ये प्लस को हमने किस में बदल दिया, इस माइनस में बदल दिया। अब ये जो माइनस है कैसे हुआ माइनस, क्योंकि ई जीरो माइनस ई एस और ई इक्वल टू ई जीरो माइनस ई एस हमने कुछ इस प्रकार से निकाल लिया। तो हम ये वाला जो e है इसकी जगह पे हम इसको रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं, ठीक है। तो कैसे करेंगे, e जीरो माइनस ई एस, ई की जगह पे रख दिया इनटू s, ये वाला एज इट इज आ गया, अपॉन ई एस जो नीचे है इक्वल टू के एस, हमने यहां तक का जो है डेरिवेशन जो है कल किया था। अब इसके आगे के डेरिवेशन को हम करेंगे, ठीक है, तो आगे का डेरिवेशन कैसे होगा उसे देखते हैं। आगे के डेरिवेशन में एक एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको पता होनी चाहिए वो ये कि एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स बनने के बाद जो है ये आगे जाके क्या बना रहा है, प्रोडक्ट बना रहा है ना, आगे जाके प्रोडक्ट बना रहा है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। क्योंकि एंजाइम और सब्सट्रेट मिलकर पहले एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, उसके बाद प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं, ये हम सभी जानते हैं। अब प्रोडक्ट का निर्माण कर रहे हैं तो यहाँ पर जो कांस्टेंट है वो K2 कहलाता है ना। अब इसके आगे जो है वो K2 भी यूज होगा और KS भी यूज होगा, वो कैसे यूज होगा, पहले हम इस यहाँ पर तक के खत्म किए थे, इसको हम अब आगे करेंगे, देखते हैं कैसे होगा आगे। अब ये जो ई जीरो है, ठीक है, ई जीरो है और एस है,
यहां पर भी एस है, यहां पर भी एस है, ठीक है। तो हम थोड़ा सा इस एस को क्या कर लेंगे, कॉमन निकाल लेंगे। तो कॉमन निकालेंगे तो ये कुछ इस प्रकार से होगा, और ये जो एस है इसको भी हमको अपॉन से ऊपर लाना है। तो हम क्या करेंगे, ई जीरो मतलब ई नॉट एस माइनस ई एस एस इक्वल टू के एस इंटू ई एस। ये के एस इंटू ई एस हुआ क्योंकि ये ई एस जो है अपॉन में था, यहाँ पर गुणा में है, हम इसको ला के यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे। हमने इसका पोजीशन चेंज करके यहाँ ले आए, तो ये यहाँ पर गुणा में हो जाएगा, ठीक है। तो के एस इंटू एस हो गया, और इसको हमने कैसे सॉल्व किया, ई एस एस माइनस ई एस एस, ठीक है। हमने इस एस को दोनों से गुणा किया, ये वाले एस को पहले ई जीरो से करेंगे तो क्या होगा, ई जीरो एस। अब ये जो माइनस है, माइनस का माइनस लग गया, अब ई एस और एस ये दोनों को गुणा करेंगे, तो ई एस एस, ये एस को, इस वाले एस को हमने इन दोनों से मल्टीप्लाई किया है, तो यहाँ पर भी एक एस जुड़ा है इसलिए, और यहाँ पर भी एक एस जुड़ा है। ये हुआ क्लियर। इसके बाद आगे की प्रोसेस कैसे होगी, ई नॉट एस इक्वल टू, हम अब इसका पोजीशन चेंज करेंगे, इक्वल टू के एस ई एस प्लस, ये माइनस को हमने इधर ला दिया, इस बराबर के इस साइड ला दिया, तो ये माइनस हो जाएगा, प्लस प्लस ई एस एस हुआ ये, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या होगा, अब फिर से इसको डेरिवेशन आगे सॉल्व करेंगे, कुछ इस प्रकार से होगा, ई जीरो मतलब ई नॉट एस अपॉन के एस प्लस एस। हम इसको कैसे लेकर आए हैं इसको देखेंगे, ये ई जीरो एस तो ये ऐसा ही का ऐसा ही है। अपॉन में हमने किसको ले आए हैं, हमने क्या किया, एक कॉमन निकाला, क्या कॉमन निकाला, यहाँ पर भी ई एस है, यहाँ पर भी ई एस है, ये देखिए ये दोनों जगह ई एस है, तो ई एस को हमने कॉमन ले लिया है, बराबर लगाया और यहाँ पर ई एस कर दिया, ठीक है। ये दोनों में क्योंकि कॉमन था, अब ये के एस बचा और ये वाला एस बचा, ये दोनों जो है बीच में प्लस है। अब ये दोनों लेकिन एक्चुअल में अगर पूरे में देखा जाए तो यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में है, तो ये के एस और एस इधर आएंगे किस में, डिवाइड में आ जाएंगे, तो हमने अपॉन लगा के एस प्लस एस कर दिया, ठीक है। अब ये के एस प्लस एस इक्वल टू ई एस यहाँ पर हुआ। अब यहाँ पर से आगे कैसा होगा देखते हैं, यहाँ पर जो है वेलोसिटी जो है जो वेलोसिटी है जिसकी जो आपका स्पीड होता है, वेलोसिटी जिसे हम बोल रहे हैं, वी जीरो मतलब टोटल वेलोसिटी जो है इज इक्वल टू के टू, और सॉरी ES। अब ये के टू ई एस कहाँ से आएगा बोलोगे आप। अब यहां तक तो हमने पूरा डेरिवेशन सॉल्व कर लिया कि एंजाइम मिला सबस्ट्रेट से
और सबस्ट्रेट के साथ मिलकर एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाया, K1 वाला ही हम सॉल्व कर रहे थे, अभी हम K2 में नहीं आए हैं, जहां पर K2 कब आएगा, जब एंजाइम सबस्ट्रेट मिलकर क्या बनाएंगे, प्रोडक्ट बनाएगा एंजाइम जो है ना, प्रोडक्ट बनाएगा ना एंजाइम जो है, वो वाला हमने सॉल्व नहीं किया है। तो हमने अभी जो टोटल वेलोसिटी जो है वो हमने कैसे निकाली, इसको E2 × ES, ये वाला हमने पूरा हिस्सा जो है सॉल्व कर लिया है। अब ये वाले हिस्से को करना है तो K2 × ES, जैसे इसमें ये वाले हिस्से को करने के लिए हमने K1 × E और S ये पहला किया था ना, अब हमको देखना है K2 × ES, ठीक है। अब यहाँ से अब थोड़ी चीजें जो है वो चेंज हो जाएंगी, ठीक है। ये वाला डेरिवेशन हमारा यहाँ पर खत्म हुआ है, इस चीज को याद रखेंगे। ठीक है, ये वाला डेरिवेशन इसको सब याद रखेंगे। अब कैसे आगे कैसे हो रहा है उसको देखते हैं। अब आगे यूं होगा कि आप सभी अच्छे से जानते हैं कि जो मैक्सिमम वेलोसिटी होती है उसे हम बोलते हैं वी मैक्स। वी मैक्स का मतलब जब अच्छी खासी स्पीड में जो है आपका जो रिएक्शन है वो चल रहा होता है, और बहुत अच्छे से रिलेशन में जो है आपका सबस्ट्रेट भी है आपके पास अच्छे से, और सबस्ट्रेट की मात्रा अच्छी है और स्पीड अच्छी खासी है रिएक्शन की, उस समय जो वेलोसिटी रहती है उसे हम वी मैक्स कहते हैं। ये सभी अभी आप अच्छे से जानते हैं। अब एक चीज है कि कोई भी रिएक्शन जब होता है तो उस रिएक्शन का अच्छा होना और प्रोडक्ट का अच्छा बनना डिपेंड करता है किस चीज पर, कौन सी चीज कम है उस पर। जैसे मान लीजिए आपने एंजाइम लिया जो कि कितनी है, 50 है, और आपने सब्सट्रेट लिया जो कि कितना है, 100 है, और आपका जो है प्रोडक्ट बन रहा है एंजाइम, पहले तो एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा, उसके बाद एंजाइम जो है वो प्रोडक्ट बनाएगा। अब प्रोडक्ट का बनना जो है किस पर डिपेंड करता है, एंजाइम से, क्योंकि अगर जितने ज्यादा कम यहाँ पर एंजाइम है, यहाँ पर बहुत सारे सब्सट्रेट है, ठीक है। अब एंजाइम कम है सब्सट्रेट ज्यादा है, तो एंजाइम तो सबके सब मिलेंगे किससे भाई, सब्सट्रेट से मिलेंगे ना, सब्सट्रेट के साथ मिल जाएंगे एंजाइम, और क्या बना लेंगे, एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स। लेकिन बाकी के जो 100 सब्सट्रेट है वो तो यूज ही नहीं हुए, तो जितना एंजाइम कम है यहाँ पर इसलिए प्रोडक्ट भी हमारा कम बनेगा, क्योंकि एंजाइम को सब्सट्रेट्स का जुड़ेगा तभी तो वो प्रोडक्ट बनाएगा, है ना। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, किसी भी रिएक्शन का होना डिपेंड करता है उस चीज पर कि कौन सी चीज ज्यादा है कौन सी चीज कम। जैसे अगर आप खीर भी बना रहे हैं, अगर आपने चावल बहुत ज्यादा कर दिया लेकिन आपने दूध जो है वो बहुत कम रखा है, तो आपकी खीर वैसे कंसिस्टेंसी की नहीं बनेगी जैसी बननी चाहिए, वो दूध भात दिखेगा, वो खीर नहीं कहलाएगा, ठीक है। तो जो चीज कम रहती है उसके कम होने की वजह से जो बनने वाला प्रोडक्ट है उसकी मात्रा और उसके बनने का तरीका पूरा चेंज हो जाता है, ठीक है। ये चीज जो है मैकलिस एंड मेंटेन ने बताया था कि जो चीज कम है वो चीज बहुत ज्यादा मतलब अफेक्ट डालती है। तो यहाँ पर इन्होंने वी मैक्स के बारे में एक चीज बताई, इन्होंने एक चीज बताई वी मैक्स के बारे में कि जो वी मैक्स है, वी मैक्स जो होता है यहाँ पर इस पर्टिकुलर जहां जब एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स बन रहा है, बनने के बाद प्रोडक्ट बन रहा है, जो यहाँ पर के लिए जो वी मैक्स रहेगा वो रहेगा K2 और E0, K2 × E0, इस चीज को बताया मैकलिस मेंटेन ने। क्यों भाई K2 = E0 क्यों, क्योंकि पूरे के पूरे एंजाइम, जब सबके सब पूरे के पूरे एंजाइम अगर काम करेंगे सबस्ट्रेट के साथ जुड़कर तभी आपका प्रोडक्ट अच्छा बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। अब आप मैंने ले लिया यहाँ पर एंजाइम है मान लीजिए बहुत सारे, प्लस सबस्ट्रेट है यहाँ पर बहुत सारे, ठीक है, बना क्या एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स बना,
अगर एंजाइम कम है तो सब्सट्रेट खाली छूट जाएंगे ऐसे ही आधे, है ना। तो हम लोगों को जरूरी है कि पूरे के पूरे एंजाइम जितने हमने लिए हैं वो पूरे के पूरे एक्टिव होने चाहिए सब्सट्रेट के साथ मिलने के लिए। क्योंकि अगर पूरे के पूरे एंजाइम नहीं काम किए तो वो उतना प्रोडक्ट नहीं बनाएंगे जितना बनना चाहिए। इसलिए जरूरी है कि ई नॉट मतलब पूरे के पूरे एंजाइम जो है ये बंद मतलब कनेक्ट हो जाए, किससे बाइंड हो जाए, पूरे के पूरे जो एंजाइम है जितना आपने लिया है, अगर आपने 100 एंजाइम लिया है तो आपके 100 के 100 एंजाइम जो है सबस्ट्रेट के साथ बाइंड होके एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना लेने चाहिए। अगर नहीं बनाए तो आपका उतना प्रोडक्ट नहीं बनेगा जितना बनना चाहिए, प्रोडक्ट जो है कम बनेगा। इसलिए जरूरी है इस पर्टिकुलर ये वाले रिएक्शन में, ये वाले पार्ट के रिएक्शन में, कि प्रोडक्ट का बनना डिपेंड करता है कि पूरे के पूरे एंजाइम जो हैं, पूरे के पूरे जो एंजाइम हैं वो काम कर रहे हैं कि नहीं, वो कॉम्प्लेक्स बनाए हैं कि नहीं सबस्ट्रेट के साथ मिलकर। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इस चीज को मिकलिस मेंटेन ने बताया। तो वी मैक्स इज इक्वल टू के टू इंटू ई जीरो, ठीक है, यहाँ पर चीज को बताया है इन्होंने। और इसके आगे कर देखते हैं अब। इसके आगे जो है उसे करने के लिए देखते हैं। हम लोगों ने सॉल्व कहाँ तक के किया था? ई जीरो इंटू एस अपॉन के एस प्लस एस इक्वल टू ई एस, हमने यहाँ तक के जो है ये वाला किया था। अब इसको और अच्छे से अगर इस चीज को ध्यान में रखते हुए कि वी मैस इज इक्वल टू के टू इंटू ई जीरो, इस चीज को अगर ध्यान में रखा जाए तो एक चीज होगी, उसको देखते हैं क्या होगा। सॉरी, यहाँ पर मैंने के एस लिख दिया है, ये ई एस है। ये ई एस, ठीक है, ये वाला जो है हमने डेरिवेशन जो है किया था। अब आगे की प्रोसेस करने के लिए कि मिकलिस मेंटेन ने ये बताया कि पूरे एंजाइम को इन्वॉल्व होना जरूरी है किसी भी रिएक्शन में। अगर एंजाइम इन्वॉल्व नहीं है तो उतना प्रोडक्ट नहीं बनेगा जितना हम चाहते हैं, ठीक है। तो उन्होंने इसी के आगे ये बताया कि वी मैक्स इज इक्वल टू के टू इंटू ई एस। ये ई एस क्यों लिखा अब इन्होंने भाई? ई एस इसलिए लिखा क्योंकि टोटल एंजाइम मतलब टोटल एंजाइम काम कर रहे हैं, मतलब टोटल एंजाइम जो जितने पूरे एंजाइम है वो पूरे के पूरे क्या करेंगे, एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ बाइंड हो जाएंगे। मतलब जितने ज्यादा एंजाइम है, मान लीजिए ये एंजाइम है प्लस ये आपका सबस्ट्रेट है, ठीक है, तो जितने ज्यादा एंजाइम्स रहेंगे वो पूरे के पूरे को एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाना रहेगा। अगर नहीं बनाए पूरे के पूरे तो उतना प्रोडक्ट नहीं बनेगा, लेकिन अगर पूरे के पूरे बना लिए तो अच्छी मात्रा में जो है प्रोडक्ट जो है वो बनने चालू हो जाएंगे क्योंकि पूरे के पूरे बाइंड हो गए। इस चीज को हमको ध्यान रखना पड़ेगा। इसलिए जो है इन्होंने क्या बताया कि आपका पहली बात तो ये कि आपके के टू इंटू ई एस तो है ही है, लेकिन ई नॉट को उन्होंने लिखा ई एस, मतलब पूरे के पूरे जो एंजाइम है वो सबस्ट्रेट के साथ बाइंड हो जाने चाहिए। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए आगे का डेरिवेशन सॉल्व होगा। कैसे होगा? अब यहां पर वी जीरो इज इक्वल टू के टू अपॉन ई एस। ये वी जीरो मतलब मैक्सिमम टोटल वेलोसिटी इज इक्वल टू के इन टू इक्वल टू जो टोटल जितने एंजाइम थे वो सब्सट्रेट के साथ बाइंड कर लिए, ई एस वाला कॉम्प्लेक्स। इस चीज को ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर आगे के डेरिवेशन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, हम लोगों ने जो सॉल्व किया है
उसमें वी जीरो इज इक्वल टू, यहाँ पर जो ई एस का वैल्यू दिया है ना, ये ई एस इक्वल टू क्या है, इतना। तो ई एस की जगह पे हम इसको रख देंगे, तो कैसे हो जाएगा, यही वाला हिस्सा वी वी जीरो इज इक्वल टू के टू इंटू ई जीरो एस अपॉन के एस प्लस एस, कुछ इस प्रकार से हो जाएगा आपका। आपने यही वाला फॉर्मूला को डिराइव कर दिया यहां पर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ आगे, इसका मतलब ये हुआ कि आपका वी जीरो इज इक्वल टू वी मैक्स एस अपॉन के एस प्लस एस। अब आप बोलेंगे मैडम ये वी मैक्स कहाँ से आ गया, वी मैक्स आया बेटा यहाँ से, देखिए वी मैक्स मतलब के टू इंटू ई एस, ये है वी मैक्स इक्वल टू के टू इंटू ई एस, वी जीरो इक्वल टू के टू इंटू ई एस, यही वाला था। और यहाँ पर क्या था आपका वी मैक्स, इसलिए आया क्योंकि के टू इंटू ई के जगह पे हमने ले लिया ये वाला वी मैक्स, और हमारा एस का एस आ गया यहाँ पर। तो वी जीरो इज इक्वल टू, मतलब वी नॉट इज इक्वल टू वी मैक्स इंटू एस अपॉन के एस प्लस एस, ठीक है। तो ये हमारा इक्वेशन जो है दिया किन्होंने, आपके मैकलिस मेंटन ने, ठीक है। तो ये मैकलिस मेंटन इक्वेशन इस प्रकार से है, जिन्होंने रिलेशन बताया कि आपके जब रिएक्शन स्टार्ट होता है उस समय की दर, और जब एंजाइम सब्सट्रेट से जुड़ जाते हैं तब जब कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं उस समय की दर, और जब पूरा प्रोडक्ट बन जाता है उस समय की दर किस प्रकार से आपस में संबंधित है, उनके बीच में संबंध स्थापित करने के लिए मिकलिस मेंटेन ने एक इक्वेशन दिया, जिसको हमने अभी पूरा जो है सॉल्व किया है, ठीक है। तो कई लोगों को हो सकता है कि कंफ्यूजन हुआ हो कि अचानक से ये वी मैक्स कहाँ से आ गया, तो वी मैक्स मतलब जो है आपका के टू ई एस है, के टू ई एस की जगह पे हम लोगों ने वी मैक्स रखा है, इस चीज में कंफ्यूज नहीं होंगे आप लोग। एक मिनट, यहाँ पर शायद मैंने थोड़ा सा गलत कर दिया, वी मैक्स इज इक्वल टू के टू इंटू ई नॉट है ये, सॉरी सॉरी ई नॉट, ये ई नॉट है, वी मैक्स इज इक्वल टू के टू इंटू ई जीरो, मतलब टोटल एंजाइम का जरूरी है होना पूरे रिलेशन रिएक्शन में, तब जाके जो है आपका वी मैक्स होगा, मतलब मैक्सिमम स्पीड भी रहेगी और मैक्सिमम प्रोडक्ट भी बनेगा। तो के टू इंटू ई जीरो है यहाँ पर, तो के टू इंटू ई जीरो यहाँ पर भी आ रहा है, और हमारा तो के टू इंटू ई जीरो की जगह पे हम ये वी मैक्स रख सकते हैं, ठीक है। के टू इंटू ई जीरो, के टू इंटू ई जीरो जो है ये वाला है, उसकी जगह हमने वी मैक्स रख दिया, एस का एस लिख दिया और के एस प्लस एस, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था, मैंने ई एस लिख दिया था करके, ई एस नहीं, यहाँ पर ई जीरो है, और ई जीरो मतलब क्या है, टोटल एंजाइम जितने हैं, तो जी पूरे के पूरे एंजाइम एक्टिव रहेंगे, तो पूरे के पूरे एंजाइम मिलकर सबस्ट्रेट के साथ कॉम्प्लेक्स होके बाइंड करके एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, ठीक है। तो ये जो है आपका है मिकलिस एंड मेंटेन, मिकलिस एंड मेंटेन इक्वेशन। और ये जो इक्वेशन है इन्होंने 1913 में दिया था, और रिलेशन स्थापित करने के लिए वेगो के जो दर होती है, जब इनिशियल स्टेज में रिएक्शन के जो दर होती है, और जो लास्ट के स्टेज में जो दर होती है, और मिडिल में जो रेट होती है, उन सभी के बीच जो है एक संबंध स्थापित करने के लिए मिकलिस मेंटेन ने ये इक्वेशन दिया था, ठीक है। तो वी नॉट मतलब जो टोटल वेलोसिटी है वो होती वी मैक्स इज इक्वल टू एस अपॉन के एस अपॉन प्लस एस। तो ये था आपका मिकलिस मेंटन इक्वेशन। मिकलिस मेंटन इक्वेशन को अच्छे से ध्यान से समझने के लिए एक तरीका है, एकदम इजी तरीका, ये कहाँ से स्टार्ट हुआ,
ये आपका स्टार्ट हुआ है इस पर्टिकुलर से, ये जो हम लोगों ने रिएक्शन लिखा था ना, ये वाला जो रिएक्शन लिखा है हम लोगों ने, यहाँ से हमारा जो है स्टार्ट हुआ है कि पहले हमने क्या किया, एंजाइम जो इस वाले इक्वेशन को लाने के लिए हमने इस चीज को देखा कि पहले एंजाइम सब्सट्रेट से मिलता है। मैं एक बार फिर से लिख देती हूँ ताकि आप लोगों को और अच्छे से क्लियर हो जाए। सबसे पहले तो आपका जो एंजाइम है वो सब्सट्रेट के साथ मिलता है, फिर वो रिएक्शन करता है और क्या बनाता है, एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स। फिर उसके बाद जो एंजाइम है उस सब्सट्रेट को पूरा प्रोडक्ट में बदल देता है। तो यहाँ पर K1, यहाँ पर K2, रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस K1 को दोनों से इंटू करना पड़ेगा। तो K1 E और S, ठीक है, यहाँ से हमने स्टार्ट किया था ना। ये देखिए K1 E S इक्वल टू K माइनस वन। माइनस वन क्यों लिखा, क्योंकि उल्टी भी होती है प्रोसेस, ये K माइनस वन इसलिए क्योंकि प्रोसेस उल्टी भी हुई, वापस से एंजाइम सब्सट्रेट जो है ब्रेक डाउन होके एंजाइम अलग हो जाएगा, सब्सट्रेट हो जाएगा, तो इक्वल टू K माइनस वन E S ये वाला। इसके बाद आगे पूरा डेरिवेशन को हम सॉल्व करते जाएंगे, बीच बीच में हमको कॉन्स्टेंट का ध्यान रखना है, जैसे के एस लगा है, के एस क्यों लगा है, क्योंकि डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट है। फिर ई नॉट है, ई नॉट क्या होता है, टोटल जो एंजाइम होते हैं उसको हम ई नॉट बोलते हैं, जो सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स के साथ बाइंड हुए हो जाते हैं, मतलब सब्सट्रेट के साथ एंजाइम बाइंड हो जाते हैं वो भी, और जो छूट जाते हैं एंजाइम सब्सट्रेट के साथ बाइंड होने में वो एंजाइम भी इसके कैटेगरी में आते हैं। तो वो एंजाइम जो है हमारे क्या कहलाते हैं, आपके टोटल एंजाइम मतलब ई नॉट। तो ये था आपका एंजाइम काइनेटिक्स का मिकलिस मेंटेन इक्वेशन, एंड आई होप आप सभी को अच्छे से क्लियर हुआ हो।